दोस्तों, अगर आप IIT और नीट के लिए मोशन क्लासेस, जो कि कोटा का फेमस इंस्टीट्यूट है, उसके वीडियो लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं, परीक्षा ऐप पर मिल जाएंगे, तो जानकारी 15 ये कोड यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। JANKARI 15। हाय गाइस, तो मैं भी रिलायबल इंस्टीट्यूट में आया हुआ हूँ। इसी साल खुला है, आपने नाम चर्चा बहुत सुनी होगी इस चीज़ की। तो यहाँ पे हूँ मैं, एडमिट हैं। ये तो फिलहाल शायद मैं ना बता पाऊँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हो सकता है आज आपकी क्लियर कर दूँ। आपके मन में एक्साइटमेंट होगा कि रिलायबल इंस्टीट्यूट अंदर से कैसा है, रिसेंटली फॉर्म हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सारे के सारे तो नहीं, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे मैं आपके क्लियर कर दूँगा। पहली बात, बंसल की जो बिल्डिंग है उसी में लगती है। हम चलते हैं अंदर और मैं आपको कोशिश करूँगा मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकूँ। इस तरीके का कुछ इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं। अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन भी चल रहा है। और ये इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी खाली खाली है, मे बी बच्चे, या तो क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म ही हुआ है तो इसके कारण ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, आएंगे अप्रैल तक, या फिर हो सकता है क्लासेस अभी ख़त्म हो चुकी हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 से 4 बज चुके हैं, तो काफ़ी सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी होंगी। ये देखिए आप, ये रैंप है, ऐसा ही एक रैंप रेजोनेंस में भी है। अगर आपने मेरी वो लास्ट डे वाली रेजोनेंस की वीडियो देखी होगी, जब मैं कोटा में पढ़ता था, तो उस दिन लास्ट डे पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने डाल रखी है। बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपको, आप अगर आप पहले कोटा में पढ़ चुके हैं, आपको डेफिनेटली उसकी यादें आपको ताज़ा कर देगी। तो ऐसा कुछ है, येलो ड्रेस है इसकी। जितने बच्चे जो मैंने अभी तक देखे हुए हैं उनको देख के मैं बता सकता हूँ, येलो ड्रेस है। और ये है, कुछ क्लासेस वगैरह ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, तो काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है रेजिडेंस से हटने के बाद। अभी एक साल हो चुका है, पेंडेमिक में बीता है एक साल पहला, और उसके अलावा अभी ये साल फ्रेश हो सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि इस साल से कोचिंग तो स्टार्ट हो चुकी हैं प्रिकॉशन के साथ। आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो मार्क किए हुए हैं, कैसे कैसे आपको चलना है, कहाँ कहाँ आपको लाइन बनानी है। और ट्राईपॉड नहीं है मेरे पास, मैं हाथ से ही पकड़ा हुआ हूँ। आई होप आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा सब कुछ कि कैसा क्या है। आई थिंक मेरे को निकाल लेना चाहिए ट्राईपॉड, अगर आपको मैं बेटर लुक देना चाहता हूँ तो। चलिए गाइस, देखते हैं अभी क्या क्या है। बच्चे भी हैं थोड़े थोड़े, देखो आप, ये है रिलायबल इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स हैं कुछ कुछ यहाँ पे। ये भी एक क्लास लग रही है यहाँ पे बच्चों की, आप देख पा रहे हो अभी। और ये फ्लोर इंचार्ज, यहाँ पे फ्लोर के जितने भी इंचार्ज होते हैं वो लोग यहाँ बैठते हैं, जो भी संभालते हैं फ्लोर को। और इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे। अभी जिस रैम से हम आए थे वो ये है, और मैं आपको अभी ट्राई कराता हूँ, जो अगर दूसरी कोई सीढ़ियाँ होंगी तो वो भी आपको अनुभव मिल जाएगा कि वहाँ से आने जाने में कैसा लगता है, टोटल कैसा आता है, फील कैसी आती है यहाँ पर आने के बाद। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने के बाद मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो अभी नज़ारा है, ओके, देयर वी गो, ये एक और यू नो स्टेयर्स हैं, तो और यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, इट्स वेरी रेयर टू सी दीज थिंग्स, क्योंकि जनरली आप इमेजिन, ये जो है ना, ये सामने अपार्टमेंट है। जब मैं यहाँ पे था 2017 में, तो ये अपार्टमेंट जो है वो यहीं हुआ करते थे, और जो बहुत बन रहा था ऑब्वियसली शायद, या फिर ये नहीं था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक सेम अपार्टमेंट आगे या पीछे कहीं बन रहा था, ऐसे ही बहुत बिल्डिंग थी जो कि बन रही थी, कंस्ट्रक्शन में थी, और ऐसे ही है कुछ ऐसा। काफ़ी अच्छा लगता है ये। ऐसे, और यहाँ से जो दूसरी साइड है वो ऐसी कुछ लगती है।
आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना दिख रहा होगा अच्छे से या फिर नहीं दिख रहा होगा, और ये कुछ ऐसा है। और अब जो स्टेयर्स के बारे में बात कर रहा था, अब उस वहाँ से चल रहे हैं। वाह, ओके। रिलायबल में तो मैं पहले कभी आया नहीं था, तो इट्स ऑलवेज अ टेंस एनवायरनमेंट हियर, तो मैं एक्चुअली आई एम प्रिटी नर्वस, बट फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे फ्लोर एक जैसे ही होते हैं, बट ये देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ है रिलायबल इंस्टीट्यूट। और LM के काफ़ी सारे आई गेस ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। अभी तो बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, बहुत खाली खाली है। आई होप अगर कोई मिल जाता जो कि गाइड करता तो इट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग फॉर मी, और इजी भी, बट इट्स ऑल राइट। ओके, तो ऐसा कुछ लगता है। और यहाँ ये वॉशरूम है जो कि आप देख रहे होगे, रास्ता है, और इट्स एक्चुअली सेकेंड फ्लोर। सो अगेन अ ब्यूटीफुल आई वुड से नज़ारा, हियर यू कैन सी। ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से, देख सकते हो आप। और चलते हैं अगले फ्लोर पे। बहुत सारे लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट डांस अपन, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है ना, सो इसलिए। यहाँ से देखो नज़ारा कैसा लग रहा है, और ये कंप्लीट टूर है मैं बोल सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका होता है किसी को भी इंस्टीट्यूट के बारे में बताने का। तो सेम देखो आप ऐसा, यहाँ से जो नज़ारा है ऐसा, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं यस, और बीच में रैंप है। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो जो वो एंड पोर्शन है वहाँ से एक सीढ़ियाँ हैं, ऐसी सीढ़ियाँ जैसे कि मैं अभी चल के आया हूँ, और बीच में वहाँ पे रैंप है, और ये जो सबसे पीछे जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ भी सेम सीढ़ियाँ हैं, ऐसे कुछ लगता है। जो रैंप है वो ये है, आप देख सकते हो ये रैंप है, यहाँ से जा सकते हो। ये एक्चुअली बंसल की बिल्डिंग है, बंसल क्लासेस एक ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, और ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो डाउट वगैरह पूछते हैं, तो आई एम नॉट श्योर, हाँ डाउट है, जब क्लास में से टीचर बाहर आते हैं तो बच्चे ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पे डाउट पूछते हैं, तो आप देख सकते हो कैसा क्या है। और ये बंसल क्लासेस की बिल्डिंग थी पुरानी, जो कि अभी रिलायबल जिसने अपना इंस्टीट्यूट चला रहा है, सही है। लेकिन एक बात सोच करके देखो, बंसल क्लासेस का सही समय पे जाना, उसके बाद फिर रिलायबल का सही समय पे आना, और उस पूरी बिल्डिंग का सदुपयोग करना, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट आई गेस। देखते हैं क्या। ओके, अगेन सी दिस व्यू कैसा लगता है यहाँ से, पता नहीं ऊपर और भी है कि नहीं है, कि ऑलरेडी ये थर्ड फ्लोर है, और जैसे ये बैग देख रहे हो मेरा अभी आप, और ऐसे ही जब स्टूडेंट्स के पास किताबों के साथ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही भारी होता है, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ये खाली है पूरा। तो आप तो शायद मैं ना जाऊँ और आपको कुछ दिखाने के लिए, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ओके, लेट मी चेक अगर वीडियो सही से बन रही है, नहीं बन रही है। ओके, तो ये तो फ्लोर लास्ट है, अब इससे आगे तो कुछ होगा नहीं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये जो है वो लास्ट फ्लोर है, इससे आगे आपको मतलब अभी क्लासेस नहीं लग रही, तो ऑलमोस्ट आई शुडंट बी गोइंग देयर। नीचे चलते हैं, और जो मैंने अभी तक आपको मैंने दिखाया कि बच्चे कैसे डाउट पूछ रहे थे वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ अभी दिखाने को है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू समथिंग जो कि सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलता हो, और भी कोई बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें। हेलो, से हाय। ओके, स्टूडेंट्स हैं, हाय। ओके, आपका तो यूट्यूब चैनल है ना? हाँ भाई, हाय, वीडियो भी देखता हूँ। ओके, हाय भैया, नाम तो बता दीजिए। ट्रेंडी न्यूज़ बाय राज दुबे, हाय, माय नेम इज़ राज, या, हेलो, नाइस टू मीट यू।
कैसी चल रही पढ़ाई तुमको? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, तुमने कहाँ देखा, कौन सी वीडियो से देखा? यही ये सब जो आप कोटा के ऊपर बनाते हैं। अच्छा, मतलब पहली वीडियो कौन सी थी, तुम्हें याद है कुछ? Okay. मतलब मुझे याद है आपका फेस याद है और आपका ख्याल रहा, वो याद नहीं है कि आपको वीडियो कौन सी देखी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। मैं दो दिन से आया हूँ कोटा में, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। अच्छा, लेकिन बहुत दिन पहले देखी है। अच्छा अच्छा, हाँ पेंडेमिक आ गई ना बीच में, इसलिए देखी है तुमने? मैंने बहुत सारी। सही है, ठीक है, फिर है ना, पढ़ो अच्छे से, मिलते हैं ना। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स हु, क्योंकि मेरे को जानते हैं तो अच्छा लगा देख करके। ऐसे ना, ऐसे हीरो वाली फीलिंग आती है जब कोई ऐसे करता है, वेरी नाइस, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग आई वुड से। बट अभी देखते हैं और कौन कौन पहचानता है, क्योंकि ये फेम वाली भूख तो बढ़ती रहती है, इसका कभी है ना खाली नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा। ओके, यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी, दिख रहा है वही बिल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें। और चलते हैं अब नीचे की तरफ, देखते हैं कैसा क्या है। हॉस्टल्स वगैरह, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि हॉस्टल्स वगैरह के बारे में बात करो, पीजी फ्लैट वगैरह के बारे में। एक्चुअली पीजी वगैरह के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, बट अभी देखना होगा, अगर मैं उस एरिया में जाऊँगा तो आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम वीडियोज़ अबाउट पीजीज, हॉस्टल्स, और उनके रेट वगैरह के बारे में भी पूछेंगे कि कितने रेट होते हैं, क्या कैसा होता है, सब चीज़ें जानेंगे हम। बट अभी तो फ़िलहाल यही है रिलायबल इंस्टीट्यूट, और मैं कोशिश करूँगा मोशन और भी जगह जाने की, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा लग जाए कौन सा इंस्टीट्यूट अंदर से कैसा है। अभी चलते नीचे। हेलो, ओके, लोग देखने लगते हैं तो फिर ओह माय गॉड, ओके, उनको रिस्पांस करना मुझे लगता है कर दो तो उनकी आत्मा को शांति हो जाती है, यानी जिज्ञासा शांत हो जाती है। ओके, चलते हैं। ऐसी एक जो रैंप पे से मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं रेजिडेंस में था, तो वो वीडियो में मैं क्या करता था कि मैं जा रहा हूँ ऐसे कुछ रैंडमली, 2017 की बात है, उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी इतना अच्छा नहीं था जिसका कैमरा थोड़ा भी ठीक ठाक हो, ये तो फिर भी बेटर है, फार बेटर देन व्हाट आई हैड इन 2017। तो उससे मैंने लास्ट डे इन कोटा कोचिंग्स ऐसी एक वीडियो शूट करी थी, और वो काफ़ी अच्छी सी थी। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये देख लीजिए आप, ऐसा कुछ लगता है। चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो वो वीडियो भी सेम रैम पे से उतर रहा हूँ, उसमें से एक बहुत बढ़िया पोर्शन लगता है मुझे। एक दोस्त को पकड़ा मैंने, उससे बोला भाई ऐसे ऐसे बना दो, उसने बना दी, एंड हियर आई एम मेकिंग अनदर वीडियो इन रिलायबल AKA बंसल बिल्डिंग। ओके, लेट्स सी कि वीडियो चालू है या नहीं। चालू है। जो मोबाइल है मेरा वो मुझे डर लग रहा है कि गिर ना जाए, क्योंकि वहाँ पे स्लिप हो रहा है वो इस स्टैंड से। That's the only concern which I'm having right now. अभी कोशिश करते हैं निकलने की, yes, यहाँ से। एक और एरिया दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ से मैं निकल सकता हूँ। सामने से ही निकलते हैं क्योंकि वो बेटर रहेगा, साइड से मुझे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है देखने लायक, खाली है ऑलमोस्ट, क्योंकि चार भी बज चुके हैं। और दूसरा ये है कि बच्चे जनरली मार्च अप्रैल के टाइम पे एंड आफ्टर कोरोना भी उतने बच्चे नहीं बड़े हुए हैं, तो इतना ज़्यादा अभी कुछ है नहीं है दिखाने के लिए आपको। आई गेस कुछ पेरेंट्स हैं जो कि अपनी इंक्वायरीज सॉल्व करा रहे हैं, मे बी एडमिशन के लिए आए होंगे, हु नोज़। बट ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे आओगे आप एडमिशन कराने के लिए, आराम से आप एडमिशन कराने के बाद रिसेप्शन है, यहाँ एडमिशन लेने के बाद आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आई गेस। और मुझे जहाँ तक लगता है वो एडमिशन के लिए ही आए हैं, या कोई और कारण होगा। ओके, आई रिमेम्बर बंसल में आई केम इन 2015 एंड आई वाज इन 10th क्लास। तो मैं पहली बार जो किसी इंस्टीट्यूट में कोटा के आया था वो बंसल ही था, और बंसल उस टाइम पे चलता था, फिर उसके बाद बंसल चला गया पता नहीं। और ये मेरा सेकेंड टाइम है जब मैं यहाँ पे हूँ। और बाहर का कैंपस कैसा लगता है रिलायबल का AKA बंसल? ये देखिए आप, ऐसी लगती है बाहर से ऐसे। ओके,
ऐसा कुछ लगता है। आई होप फोन ना गिरे बस मेरा, क्योंकि गिर गया तो सब मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ऐसा कुछ लगता है। अब चलते हैं बाहर की तरफ और हाँ बस काफ़ी अच्छे अच्छा व्यू है यहाँ से। ओके ठीक है, और देखता हूँ मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, जो भी चीज़ें दिखाऊँ, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो दिखा दूँगा। आई एम लिटरली फीलिंग लाइक अ ब्लॉगर, क्योंकि ये ऐसे ही शायद आई मीन आई हैव अब मैं उसी फीलिंग में आ चुका हूँ जो कि एक ब्लॉगर के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना किसी झिझक के चले जाओ और कम काम करके आ जाओ। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन द पास्ट 10 मिनट्स कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग देन दैट्स फाइन, एवरीवन वुड बी फाइन विद वॉट एवर यू आर डूइंग। तो और अगर कोई प्रॉब्लम होती है सो टेल द ट्रुथ, जो भी आपके मन में है देन यू कैन शेयर दैट सो पीपल वुड नो एंड। क्योंकि ये मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ब्लॉगिंग का सेटअप है, अभी ट्राइपॉड भी है मेरे हाथ में, तो लोग मान जाते हैं कि अच्छा ओके ब्लॉगिंग वगैरह ऐसा ऐसा कुछ, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यार शूट नहीं कर सकते, परमिटेड नहीं है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती। बट इफ़ यू आर डूइंग फॉर द गुड थिंग देन किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो राइट नाउ अगर अभी मैं बाहर जा रहा हूँ रिलायबल के, और ये है अपार्टमेंट, आई गेस यही एक लौता अपार्टमेंट है जो उस टाइम बन रहा था, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। ओके मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। ये है अपार्टमेंट जो मैं बता रहा था, बिल्डिंग बन रही है ना 2007 बन